अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। तो अब मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, पिछली वीडियो जो आपने देखी थी, जो एशियन ग्रोसरी करने गए थे मेरे मियाँ और उनकी, आपने वीडियो देखी और पसंद की। तो जब ये गए थे तो रास्ते में हमें बाजी की तरफ उतार गए थे। बाजी वो जो जिठानी, मेरी जिठानी कम और बाजी और सिस्टर ज़्यादा मुझे फील होता है, तो वहाँ हम ठहर गए बच्चे और मैं। तो जैसे हसबे मामूल हम पहुँचते हैं और तो कोला पीते हैं ऐसे जैसे कभी मिला ही नहीं है। तो ये दोनों दोनों बैठे, मैंने कहा चलो इनका थोड़ी सी मैं तो मज़ा ले रहे थे कि हम आए, क्योंकि लॉकडाउन में कभी निकले ही नहीं है, काफ़ी देर हुई है। तो थोड़ी सी जैसे वो पिछले दिनों में था कि 9 बजे तक आप लोग बाहर नहीं जा सकते, तो वो थोड़ा सा खुल गया था, तो उसकी वजह से हम निकल आए कि चलो मौके से फ़ायदा उठाएं। तो ये अगली मॉर्निंग सुबह हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने रात तो बिल्कुल भी नहीं रहना था। तो जब बच्चे जाते हैं ना और इकट्ठे होते हैं और फिर वो इतनी ज़िद्दें करते हैं हम रह लें, तो एक बच्चे को मोड़ें दूसरा आ जाता है, दूसरे को रोके तीसरा आ जाता है। पता क्या बात है कि अद्धा बंदा साडा भी दिल करता सी कि असीं रह लीए। तो इसलिए सारा कुछ बच्चों पे डाल के ना कि उनकी हमने फरमाइश पूरी कर ली है और हम सब मिल के माशाल्लाह रात रह ली और खूब मज़ा लिया। काफ़ी देर के बाद काफ़ी मज़ा आया। अब हम नाश्ता कर रहे हैं, तो नाश्ते में पराठे थे और पराठे भी देसी घी वाले, और वो खुद उन्होंने बनाया था देसी घी वाले पराठे। और इनके पराठे छोटे छोटे होते हैं और इतने मज़े के, और आप हिसाब लगा लें कि बच्चे माशाल्लाह, वो छोटे पराठे हैं लेकिन मेरे दोनों बच्चों ने एक एक पराठा खाया था सालन के साथ और इतना मज़ा आया था। और वैसे भी कभी कहीं ऐसे इकट्ठे हूँ तो कोई बना के दे तो बैठे बिठाए तो मज़ा ही आता है हर चीज़ का। तो काफ़ी नाश्ते का तो हमने भरपूर मज़ा लिया। तो अब मैं किचन में वापस आई थी इनको बाजी को लेने के, आ जाए आप भी नाश्ता करें। तो ये उनकी रोटी है, मैं लेके जाने लगी हूँ कि आ जाए बस करें, क्योंकि हम लोगों ने तो इनका, मैं इनका इंतजार कर रही थी, बाकी तो सब नाश्ता कर रहे थे, तो मुझे ये था कि ये भी आए तो नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद जो सबसे बड़ी मुझे खुशी मिली, जो मैं आज आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से 2-3 दिन पहले अप्लाई किया था, मेरे जो वॉच टाइम पूरा हो गया था, सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए थे काफी देर से, तो उसके लिए ईमेल लिखी थी। तो इस दिन ही ईमेल आई थी कि आपका जो चैनल है ना वो मोनेटाइज हो गया है। तो मुझे ये वाला जो दिन है ना मुझे याद रहेगा, और मैं इसलिए आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि यहाँ तक जो मैं पहुँची हूँ या जहाँ यहाँ तक जो मुझे लेके आए हो मेरे मियाँ, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो व्लॉगिंग सारा कुछ देखती थी, हाउस वाइफ जो भी ऐसी वीडियो आती थी वो मैं बहुत शौक से देखती थी। तो जो मुझे हमेशा ये बोलते थे कि क्या देखती हो क्या देखती हो, अगर तुम देखती हो तो तुम भी कुछ कर सकती हो। तो ये सब कुछ जो भी मैं यहाँ आई हूँ इनकी सपोर्ट की वजह से मैं इधर हूँ। तो ये भी मेरे पास ही बैठे हैं, तो हम दोनों ने मिलके ही वॉइस ओवर करनी थी। तो मुझे ये था कि मैं थोड़ी सी पहले बात कर लूं, तो आप मेरे मियाँ आपके साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक है, मैं भी ठीक ठाक। अच्छा जी, मेरी ड्यूटी लगाई थी मेरी बेगम साहिबा ने, मेरी बुड्ढी ने, मेरी वाइफ ने, मेरी फ्राओ ने, कि मैं यहाँ पे बैठ के पता नहीं क्या करना था, मुझे इसने यहाँ पे बैठा लिया था। बहरहाल इसने मुझे अभी पता चला है कि इसने आपका भी तंकीशन किया है, शुक्रिया किया, और मुझे भी शुक्रिया के अल्फाज से मुझे भी शुक्रिया के अल्फाज मिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये मैं कहना इसको यही चाह रहा, अभी मैं इसको आपके साथ ही कहूंगा कि मैं इसको हमेशा पहले भी कहता था कि मेरी लॉजिक के मुताबिक दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो एक इंसान कर सकता है और वो दूसरा इंसान क्यों नहीं कर सकता। मतलब मुझे ये लगता है कि जो एक काम कर सकता है एक इंसान, वो दूसरा भी कर सकता है। और दूसरा ये जो बेगम अभी कह रही थी, बेगम मैं इसको हमेशा बुढ़ी कहता हूँ, बेगम बहुत अजीब सा लगता है। चलो बहरहाल ये मेरी जो बुढ़ी कह रही थी कि मुझे बहुत सपोर्ट मिली है, तो सपोर्ट देनी चाहिए। आपका मतलब दोस्त है, बीवी है, बंदा है, तो वो अगर कुछ करना चाह रहे हैं उसको आप देखो कि यार वो किस हद तक इस चीज को प्यार कर रहा है, मतलब अपने काम को, अपने जो उसका जो करना चाहता है वो किस हद तक उसको अपनाना चाह रहा है। तो अगर आपको लगता है कि उस काम में कोई गलत बात नहीं है तो उसको करो सपोर्ट, यार करनी चाहिए। मैं इस हक में हूँ कि गलत काम ना हो, मतलब ये नहीं है कि कोई चोरी करने जा रहा है तो वो बहुत को बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसको कहो नहीं यार मैं तेरे चाकू ला के देना, मैं तेरे पिस्तौल ला के देना, ऐसी सपोर्ट नहीं, अच्छे कामों में मेरा मकसद बात करने का ये। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो गया इसका चैनल, और सिर्फ सबसे पहले अल्लाह ताला की जात के फजल, और दूसरा आपकी सपोर्ट, और तीसरा मेरी सपोर्ट, और चौथा फुटबॉल सपोर्ट, क्रिकेट सपोर्ट, ये सारी सपोर्ट की वजह से अल्लाह ताला ने फजल किया है। और इसको आगे भी आप दुआ में भी याद रखना,
अच्छा, ये वॉइस ओवर शुरू करने से पहले मैंने अपनी बेगम को कहा था कि मैं वॉइस ओवर इस शर्त पे करूंगा कि आप मेरे लिए चाय बना के लाओ। अब मेरी चाय भी आ गई है और मेरी बुड्ढी भी मेरे साथ आके बैठ गई है, फिर तो अब मैं बुड्ढी को अपनी को दूंगा कि चलो आप ही अपनी बातें जो रह गई है वो कर लो। हाँ जी, मैं आ गई हूँ वापस वापस किचन में। तो जो किचन में चीज़ें बन रही हैं इसके बारे में आपको मैं बता दूँ, ये ना हो कि आपके हैं कि दिखा कुछ रहे हैं बोल कुछ रहे हैं। तो ये जो सारे स्नैक्स चाय के साथ हमने बनवाए हैं, बाजी ने खाना बनाना था तो हम सब ने मिलके वो मना कर दिया था, क्योंकि खाना नाश्ता काफ़ी लेट किया था। तो मना करने के बावजूद चाय के साथ इतना सामान उन्होंने बना दिया, मुझे ये था कि इससे बेहतर है कि आप खाना ही बना लेते। तो एयर फ्राई जो आपने अभी देखा है वो भी इन्होंने लिया था नया, तो उसकी भी पैकिंग खोली थी, तो ये था कि चलो उसकी भी ट्राई करते हैं कोई कैसी उसके अंदर चीज़ें बनती हैं। तो उसके अंदर चिकन विंग्स वगैरह उसके अंदर बनाए थे, तो बड़ा अच्छा क्रिस्पी उसका वो बन गया था। थोड़ा होती है ना टेंशन की कोई चीज़ नहीं है तो अच्छी निकले, तो वो बिल्कुल भी ठीक बिल्कुल ठीक निकला था। तो ये जो सामान एशियन सामान मेरे जो लेके आए मियाँ साहब, हाँ जी, तो ये मैं लेके आया था सामान और ठीक लेके आया था, हाँ क्योंकि जी मेरी हाँ थोड़ी सी जी बात में तारीफ भी हुई थी। मेरी बेगम ने मुझे कहा हाँ था कि ठीक वेरी गुड। नहीं, काफी अच्छी चीजें ले आए थे। ये था कि अक्सर ये करते हैं कि एक चीज कहीं ना तो दो तीन ले आते हैं, तो इस दफा थोड़ी बचत हो गई है कि जो जरूरी थी वही दो तीन लेके आए। छोटी छोटी चीजें एक्स्ट्रा जो होती हैं वो ज्यादा नहीं लेके आए, ठीक लेके आए, समझदार हो हाँ, शुक्र अल्लाह मियाँ ताला रह रहे के ना बहुत समझदार हो गए। गए। तो ये जो आप देख रहे हैं ग्रोसरी, ये मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगी। पत्ती वगैरह ज्यादा मैं लेके आए क्योंकि ये चाय बहुत पीते हैं, और साथ मुझे भी इन्होंने इतनी ज्यादा चाय लगा दी है, मैं बिल्कुल भी नहीं पीती थी। और आप देखें हर दफा हर आप वीडियो में मेरी दो तीन कप तो देख ही लेते होते हैं, सुबह की दोपहर की शाम की, चार पांच कप तो मेरे हो ही जाते हैं, लेकिन मैं चीनी नहीं पीती तो 4 चम्मच चीनी बच जाती है। अच्छा, चाह दसन दी जो मैं देसी घ्यो लिया अपने वास्ते, नहीं दसना तुम्हें? हाँ जी हाँ जी, ये देसी घी लेके आए, अच्छा है, ये नहीं है कि बुरा नहीं है, लेकिन मैं अब घर बनाऊंगी। बाजी के जो पराठे थे ना देसी घी वाले, तो मैं पूछ के आई हूँ, तो अब मैं वैसे देसी घी रेडी करूंगी वो घर में। इस दफा तो चलो ले आए, अब यही इस्तेमाल करेंगे, ये खत्म होगा ना फिर वो ट्राई करेंगे कि वो कैसे बनता है। अच्छा, हमारे घर में ना ये सिंधी बिरयानी है, देखा कितने ज्यादा मसाले आपने देखे हैं, और हमारे घर में इतनी ज्यादा ये सिंधी बिरयानी बनती है, मेरा दिल करता है कभी कभी मैं ना सिंधी टोपी पहन के बिरयानी खाया करूँ। इतना मुझे ना फील आना शुरू हो गया कि मैं भी सिंधी हो गया हूँ। लेकिन ये है ना कि बिरयानी मसाला जो मैंने खुद भी घर में बनाया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो कंप्लीट नहीं है, तो मैं मसाला 1 चम्मच जरूर डालती हूँ चावल में, या बिरयानी बनाओ तो वो जरूर मैं ऐड करती हूँ। तो आगे जो सब्जियाँ ये देखें, फ्रेश सब्जियाँ ये पाकिस्तानी मार्केट से ही मिलती हैं, और पाकिस्तानी मार्केट हमारे से ना काफ़ी दूर है, 1 महीने के बाद ही चक्कर लगता है। तो कोशिश होती है जैसे हरी मिर्च ये नहीं मिलती ऐसी वाली, अचारी मिर्च ये देखें मुझे तो इतनी अच्छी लग रही थी, मैं कह रही थी कि अचार ही डाल लूँ, अचार डालती हूँ तो ये भी खा लेते हैं, और इनके लिए जो हरी मिर्च ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मैं इस वजह से ना कुर्बानी दे देती हूँ, है ना। हाँ जी बिल्कुल, अचार बिना ना बनाने की, क्योंकि हाँ तो और क्या, तो बाकी ये कद्दू एक ही लेके आई हूँ, इसका मैं दूसरा देखूँ। कद्दू है हमारे घर में। चले ठीक है, दुआ में याद रखे, खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।